back to my channel. It's me Pratha. In this video I'm going to give you all a room tour. So I recently redid my whole room. You can watch the room makeover video. The link will be in the description box, so make sure to check it out. And I guess this video se aap log ko inspiration bhi mil jayegi for the hostlers moving in. This is going to be the perfect for them kyunki mera room ekdam hi DIY hai. So yes, let's begin with this video. After entering my room, this is the right side of my room. I was in army, so I have this poster and then my two medals. And uske baad I have my Jio ka dabba, matlab ye 5-5 ka. And then there's this window with white curtains which I got from Amazon. And iske baad I have my computer table on which I have my computer. And I have a white wallpaper lagaya hai. And then I have this chair rotating wali. इट्स अ लाइट ब्राउन कलर का टेबल बट फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा अच्छा लगने के लिए वाइट कलर का वॉलपेपर लगा दिया. एंड देन दीज कर्टन्स जो भी मैंने चेंज करे इन माई रूम मेक ओवर वीडियो. देन आई हैव दिस क्यूट लिटिल टम्बलर विच आई गॉट फ्रॉम यूट्यूब क्रिएटर्स कैंप. अगर वो व्लॉग नहीं देखे तो देख लेना. एंड देन आई हैव दिस फुल लेंथ मिरर विच आई गॉट फ्रॉम मैंने बनवाया था एक्चुअली. एंड इट्स 5x5 feet. अ फुल लेंथ मिरर विथ वाइट फ्रेम्स जो कि एकदम बहुत अच्छा लुक देती है, रूम के वाइट कलर के साथ भी जाती है. एंड इसके साथ में आई हैव दीज पिक्चर्स पोस्टर्स एस्थेटिक सॉन्ग वाले जो आई ऑर्डर्ड फ्रॉम मीशो. एंड दिस इज़ मी. एंड वहाँ पे फेक वेंस भी लगाई है मैंने कि थोड़ा ग्रीन ग्रीन लगे. एंड अच्छा लग रहा है, वेंस इज गोइंग विद द वाइब. एंड देन आई हैव माई ड्रेसिंग एरिया. फर्स्ट आई हैव दिस कैंडल, वहाँ पे मैंने ऐसे कैंडल रखी है. वो पहले मेरा परफ्यूम स्टैंड हुआ करता था बट मैंने वहाँ पे कैंडल रखी है. एंड मैंने इतना सा भी सोचा नहीं उसे साफ़ करने का भी नहीं कि वहाँ पे मेरे बाल तक दिख रहे हैं, धूल भी. एंड हाँ, जस्ट साइड में आई हैव दीज टू ड्रॉवर्स, ये आईकिया से लिए मैंने. एंड यहाँ पर मेरा पूरा स्किन केयर का मेकअप का सामान है. एंड थोड़ा सा मिसटेप रहता था क्योंकि मैंने थोड़ी सी भी एफर्ट्स नहीं डाले साफ़ करने में, बट हाँ अरेंज कर दिया था. आई हैव दिस मग जिसके अंदर मेरे सारे ब्रशेस है, सारे मेकअप ब्रशेस एंड आईलाइनर्स. एंड फिर बाकी मेरा स्किन केयर रखा हुआ है ऊपर. एंड इन फर्स्ट ड्रॉअर आई हैव ऑल द एकदम ऐसे मेकअप का सामान एंड ईयर रिंग्स ये सब. एंड बहुत ही ज़्यादा मेसी है क्योंकि मैं साफ़ भी नहीं करती हूँ, बहुत गंदी आदत है मेरी. एंड उसके नीचे वाले ड्रॉअर में हैव ऑल द लिपस्टिक्स एंड सारा आई शेडो पैलेट एंड सारे पैलेट्स एंड सारा सामान मेकअप का. एंड देन उसके साइड वाले ड्रॉअर में बहुत ही ज़्यादा कचरा कूड़ा भरा हुआ है मेरा, एकदम से फालतू का सामान है जो भी एकदम ज़रूरी है, बिकॉज आई एम अ होल्डर, मुझे सामान कचरे में डाला ही नहीं जाता है. देन आई हैव दिस वेरी क्यूट मिरर विच इज़ फ्रॉम मिनीसो. एंड येस, इट्स वेरी स्टर्डी एंड मुझे तो बड़ा पसंद है वाला मिरर. एंड देन इसके ऊपर आई हैव दिस वॉलपेपर जो मैंने पुराने अपने रूम में कवर वाले वीडियो में लगाया था. एंड इसे हटा नहीं सकती थी वरना वॉल खराब हो जाती है. एंड इट्स इवन गोइंग विद द ग्रीन एस्थेटिक ऑफ माय रूम. एंड वॉलपेपर लिटरली एड्स सो मच टू योर वॉल. एंड दैट्स इट फॉर माय ड्रेसिंग एरिया. मूविंग ऑन टू माय बेड, नॉट बेड एक्चुअली बट काउच. आई डोंट इवन स्लीप हियर, तो मतलब ये सिर्फ दिखाने का है. तो यहाँ पर फर्स्ट आई हैव दिस वेरी क्यूट बेडशीट विच इज़ फ्रॉम अमेजोन. एंड उसके ऊपर क्यूट क्यूट प्लशीज़ हैं. वो वाइट वो लगाना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा बट ओके. देन आई हैव दिस वॉल पेपर एंड पीपल से दैट कि इतना कलरफुल है एंड इतना अजीब लग रहा है. तो आई हैव अ यूट्यूब चैनल, आई नीड डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड. तो मैंने इनको तीन पार्ट में डिवाइड करा था. ये एक साइड थोड़ा ऐसे म्यूज़िक टाइप का, उसके साइड पूरा ग्रीन एस्थेटिक, देन सामने पूरा पेस्टल वाला. तो आई हैव थ्री बैकग्राउंड्स फॉर माई यूट्यूब वीडियोज़. तो मतलब पिक्चर्स के लिए, इंस्टाग्राम के लिए तो इट डजन इवन मैटर, मुझे वीडियो के लिए बैकग्राउंड अलग चाहिए था. दैट्स वाई आई डिड दिस थिंग. एंड पीपल कीप ऑन कॉमेंटिंग कि ऐसा क्यों करा वैसा क्यों करा, तो थोड़ा दिमाग ज़्यादा चलाया था मैंने. एंड ये उसके साइड में मेरे रूम में ऐसे विंडो थी ब्राउन कलर की, जिसको कवर करने के लिए मैंने ये मार्बल वाली ब्रिक वॉल पेपर लगा दिया विच लुक्स वे बेटर जो पहले था उससे. तो एंड उसके ऊपर आई हैव दीज फेरी लाइट्स विथ क्लिप्स, इसके अंदर मेरी पिक्चर्स डली हुई है. एंड उसके नीचे है मैं पुराना स्टडी टेबल, ये मैंने बहुत पहले मेरे मम्मी पापा लेकर आए थे. तो ये भी ऑरेंज कलर का था, मिक्की माउस वाला, पर मैंने इसके ऊपर पूरी मार्बल शीट लगा दी थी. एंड अभी ये स्टडी टेबल वैसे तो कोई काम का नहीं है बट इसके ऊपर मैं अपना एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ, जैसे जर्नलिंग करती हूँ तो मैं वहीं पर बैठ कर लेती हूँ. देन आई हैव माई लैपटॉप हेयर, बहुत ही पुराना लैपटॉप. एंड मेरा सारा स्टेशनरी का सामान एंड सारा बहुत ही मेस्टअप कर रख रखा है मैंने. मैं इसे सोच रही थी हटाने का बट फिर ये बहुत ज़्यादा सामान स्टोर कर लेता है, तो हाँ. एंड देन आई हैव माई पिक्चर्स ओवर हियर, बहुत सारी पोलरॉइड्स जो मैंने प्रिंट करवाई है, एक्चुअल पोलरॉइड वाली नहीं है. सो हाँ,
Then I have this memory box and it's so embarrassing. I'm not even gonna show you all. So moving on to the next part. यहाँ पे पहले मेरे रूम में से वहाँ पर परफ्यूम स्टैंड था एंड वहाँ पे परफ्यूम्स थे, बट मैंने वहाँ पे मिरर लगा दिया विच आई गॉट फ्रॉम अमेजोन. इट वॉज फॉर ओनली 499 rupees. एंड यहाँ पे मैंने कुछ पोस्टर्स ऐड कर दिए जो लेफ्ट ओवर थे, मतलब पहले के उससे बचे हुए, तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है. दिस इज मी एंड आई एडेड अ फेक वेन ऑल्सो हेयर. एंड मेरे पास और बची है पर मैं लगाऊँ कहाँ. एंड मैंने यहाँ पे अपना पुराना वाला मिरर यहाँ पे रख दिया है, तो मैं बाहर जाती तो इसे आउटफिट चेक ले लेती हूँ. एंड यहाँ पे सारा रियलिटी मिस मेरा ये बन है जिसपे सारे कपड़े पड़े रहते हैं. एंड यहाँ पे पुराने ये चिपके हुए हैं मेरे फार्मूलाज एंड मेरी रिंग लाइट. एंड यहाँ पे मेरा सारा फालतू का सामान. ये वाली साइड मेरे रूम की सबसे अगली और मेसी है एंड मैं इसे साफ करती रहती हूँ. एंड येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप ये वाला थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा फॉर द होस्टलर्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द पीपल हु आर लुकिंग फॉर सम इंस्पिरेशन. यू कैन गो विद द पिक्चर्स थिंगी. ये वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया अब तो, बट फिर भी मेरा रूम ना एकदम से छोटा सा रूम है. एंड ये मिला भी मुझे एकदम ऐसे लास्ट लास्ट में था, मतलब जब हमारा घर ऐसे रेनोवेट हो रहा था, तो ये एक्चुअली बहुत पुराना घर है. एंड इसके पीछे एक रूम था, तो एंड ये भी सेकंड फ्लोर पर है, एकदम ऐसे नीचे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर एंड ये सेकंड फ्लोर पर ही है. तो इसके अंदर यहाँ पे आगे ना ऐसे झूला रखा हुआ था, यहाँ पे गार्डन टाइप्स था जिसके आगे एकदम से प्लांट्स रखे हुए थे एंड बहुत ज्यादा सुंदर से गार्डन एरिया था. एंड इसके पीछे एक रूम था, बस एकदम ऐसे एक्स्ट्रा रूम था. जब हमारा घर ऐसे रेनोवेट हुआ तो यहाँ पे एक रूम बना दिया, ये गेस्ट रूम के नाम से बनवाया गया था. बट फिर मैंने बोला कि मुझे मैं यूट्यूब वीडियोस बना दी. जब मैंने नया नया चैनल स्टार्ट करा था, मैंने रिक्वेस्ट करके बोला प्लीज मेरा रूम. और मैंने इसे सजा डाला एंड इसका कलर ना चेंज नहीं करा था, इसका कलर व्हाइट रखा था. तो व्हाइट तो एकदम मेरा एकदम ऐसे एस्थेटिक मुझे लग रहा था. तो मैंने फटाक से रूम झपट लिया एंड इसको इसके अंदर पिक्चर्स पेस्ट कर दी. तो मेरे घर वाले फिर इसे गेस्ट रूम नहीं बना पाए. I have the power. तो फिर अब ये मेरा रूम है एंड जब से मेरा रूम ही है एंड इसके ना कुछ ऐसे फर्नीचर ये सब भी नहीं करवा पाए क्योंकि मैंने हड़प लिया था. एंड फिर मैंने ये काउच मंगवा लिया, फिर मैंने ये कंप्यूटर टेबल मंगवा लिया, फिर कंप्यूटर मंगवा लिया, फिर मैंने ये दोनों ये आईकिया से हैं दोनों. ये मैंने पहले वाला रूम मेकओवर बनाया था लॉकडाउन के टाइम पे, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा जब भी मैंने ये सब करा था. यहाँ पे ये वाली पिक्चर्स पहले से लगी, ये वाली बेडशीट भी तक की है. एंड जब भी बहुत अच्छा वीडियो था, अगर वो मेरे चैनल पर पब्लिक है या फिर प्राइवेट है, मैं उसे पब्लिक कर दूंगी क्योंकि वो भी बहुत मेहनत करी थी. एंड इसके पहले वाला इस वाले रूम वैसे रूम मेकओवर करा उस पर भी मेहनत करी थी. तो मेक श्योर टू चेक देम आउट. एंड येस, दैट्स इट फॉर दिस वन. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन. मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो. सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.